दोस्तों हम आपको बता दें ये गन्ने का लाइव ये गन्ने का जूस निकल रहा है तो जूस तो कट्ठे करते हैं बल्द दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। हम अभी हैं शनि सिग्नापुर मंदिर। हाँ जी, आज ही पहुंचे हम सुबह मॉर्निंग टाइम में। आज तारीख भी बता दीजिए ना। 12 तारीख पहला महीना 2019 को नए साल की हमने शुरुआत की है शिरडी के साईं बाबा और शनि देव जी से। और दोस्तों यहां पर जो मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर है शनि महाराज का और पूरी दुनिया में इनकी खूब ख्याति है। और यहाँ की शहर की एक और खास बात बता दो। कहा जाता है कि शुरू से ही सदियों से लॉक नहीं लगता इस गांव। यहाँ पर ताले नहीं लगते हैं, बैंकों तक भी ताले नहीं लगते हैं। यहाँ पर किसी भी बैंक, किसी भी हवेली, कोठी, दुकान, घर, दुकान मालिक कहीं पर भी। मेन बात तो ये है यहाँ पे वो क्या कहते हैं, दरवाजे ही नहीं है, गेट ही नहीं है, ताले नहीं लगते दोस्तों। और ये विश्व प्रसिद्ध जगह है और शनि सिग्नापुर। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हम आपको दर्शन कराएंगे। ये जो है पीछे हमारे आप देख पा रहे हैं ये मेन दरबार है, ये दरबार है और उधर निर्माण चल रहा है। यहाँ पर निर्माण, इस साइड में निर्माण चल रहा है और यहाँ पे ये एंट्री गेट है। हम राजस्थान से आए हैं। धन्यवाद। 4000 किलोमीटर दूरी से। धन्यवाद, धन्यवाद। जय साईनाथ। दोस्तों मैं हूँ सोहन मिश्रा, ये है सतीश जी। दोस्तों अभी हम हैं मुक्ति धाम नासिक महाराष्ट्र में और यहाँ पर हमने दर्शन की, अंदर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं था मंदिर में, सो उसके हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। बाकी जब 1972 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इसमें इसकी खास बात है कि इसमें 9 के 9 जो ज्योतिर्लिंग है पूरे विश्व भर में वो इसमें प्रतीत करवाए गए हैं। और जो 4 धाम हैं उनका जगन्नाथ जी, लक्ष्मी नारायण और बालाजी महाराज और शिव जी महाराज उनके चारों के धाम। चारों धाम के यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया स्वरूप बनाया हुआ है और यहाँ पर आकर हमें बड़ी खुशी मिली, बड़ा आनंद मिला। और हम हैं अभी नासिक महाराष्ट्र में मुक्ति धाम। जब भी आपको मौका मिले आप जरूर आइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी। अभी हम हैं दोस्तों नासिक में और हम हैं गोदावरी और कपिला नदी के संगम पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का दृश्य है, काफी मनोरम और बेहतरीन खूबसूरत दृश्य है। और हम लोग, ये आप पीछे मेरे देख पाएंगे, सीता, राम और लक्ष्मण जी का जो है इन्होंने बुत बनाया हुआ है, आप देख पाएंगे, बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर नासिक में कुंभ का मेला लगता है और जो पिछला कुंभ का मेला लगा था वो सन 2015 में लगा था और अब 2027 में लगेगा 12 साल बाद। और दोस्तों बड़ा ही मनोरम दृश्य है ये, आप नीचे से देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा व्यू, क्या मनोरम दृश्य है। ये है कपिला, ये है गोदावरी नदी और ये है कपिला नदी और यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है। और दोस्तों यहीं पर ही रावण की बहन स्वरूप नखा का जो है वो नाक काटा था लक्ष्मण जी ने। और इसी जगह पर यहीं पास में ही है जहाँ पर सीता जी ने
सीता माता ने जो है वो अग्नि परीक्षा दी थी, और हमारा सौभाग्य है जो हम यहाँ पर आए, और लवकुश का भी मंदिर है यहाँ पर, और ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। आप देख पाएंगे ये है गोदावरी नदी। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बने रहिएगा आप हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी। दोस्तों आज हम आए हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं। शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैंने भी खूब पढ़ा है इसके बारे में, एलोरा अजंता की गुफाएं। दोस्तों आज हम यहां पर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन अनुभव हमारा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, तो आज हम विजिट करेंगे दोस्तों, और उम्मीद है कि हमारा जो ये विजिट रहेगा वो खूबसूरत रहेगा, बेहतरीन अनुभव रहेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एलोरा की गुफाएं, बहुत ही शांति प्रिय इलाका है दोस्तों, ये बहुत पुराना है, ये कई हजार साल पुराना है। अभी हम आपको अंदर की विजिट भी करवाएंगे जी। ये है एलोरा की गुफाएं, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, ये हम है अभी महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में। ये आप देखेंगे ये हजारों साल पुरानी बनी हुई गुफाएं हैं, मंदिर है। दोस्तों पहला ऐसा मंदिर है जो पूरा पत्थर काट के बनाया गया है ऊपर से नीचे। दुनिया की कोई भी बिल्डिंग बनती है नीचे से ऊपर बनती है, पर ये ऊपर से नीचे बना हुआ है दोस्तों, और इसको बनने में 200 साल लग गए थे दोस्तों, 200 साल। अभी ये एलोरा की गुफाएं हैं, ये विश्व धरोहर में सम्मिलित हैं, और 2 सदियां लग गई इसको बनाने में। तो कितनी मेहनत मशक्कत की होगी, अब आप इसका इतिहास यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 10 पीढ़ियां 200 साल, यह पढ़ सकते हैं इसका इतिहास। नमस्कार दोस्तों, अभी हम एलोरा गुफाओं से जा रहे हैं औरंगाबाद की ओर।
और बहुत ही शानदार सफर है दोस्तों। यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है वो हिमाचल प्रदेश वाली आ रही है। हाँ, क्या कहते हैं।